नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। 29 जून 2019 से शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, यानी मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। अब शुक्र मिथुन राशि में गोचर करके आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सूर्य और राहु शुक्र के साथ होंगे, सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बनेगा 16 जुलाई 2019 तक। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक राहु और शुक्र अकेले होंगे, सूर्य स्थान परिवर्तन कर जाएंगे यानी आगे निकल जाएंगे। शुक्र का यह गोचर 29 जून से 23 जुलाई तक रहेगा। तो जानते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी जातक जातिकाओं के जीवन में ग्रहों का यह समीकरण किस प्रकार से फलित होने वाला है, और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य शुक्र राहु एक साथ जानते हैं किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं इस समय अंतराल में। इस गोचर के दौरान शुक्र आपके आठवें भाव से गोचर करेंगे और आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की यहाँ पर मैं हिदायत दूंगा। आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को बड़ी खूबसूरती से चलाना होगा। कुछ विवाद हो सकते हैं, कुछ कहा सुनी हो सकती है और आपके जीवन साथी की सेहत भी बिगड़ सकती है। आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। आपकी सोचने समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता है वह कमजोर होगी। आप ठीक प्रकार से वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं वो शायद ना ले पाए, तो इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और इसका असर सिर्फ आप दो लोगों पर ही नहीं होगा, इसका असर परिवार पर भी पड़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा, आपकी संतान है तो उसके जीवन पर भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप दो लोगों की लड़ाई से परिवार काम डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई पड़ता है। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो प्रेम संबंधों में या जिनका विवाह तय हो चुका है और विवाह कुछ समय पश्चात होने वाला है, कोई सगाई या रोके या रिंग सेरेमनी जैसी फंक्शन इत्यादि भी हो गए हैं तो उनको भी बहुत सावधानी रखनी होगी। अपने होने वाले जो पति हों या पत्नी हों उनसे बातचीत करने के दौरान उनसे रिश्ते अच्छे बने रहें और ठीक प्रकार से सब कुछ चले, तो बड़ी कोशिशों के साथ, अच्छे तालमेल के साथ, अच्छी रणनीति और अच्छे शब्दों के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ आप रिश्तों को आगे लेकर जाएंगे और अच्छी तरीके से उनको जी पाएंगे। तो इस समय अंतराल में कई बार ये भी देखा गया है कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जिनके रिश्ते तय होते हैं और अभी शादी होने वाली होती है या प्रेम संबंधों में होते हैं, यदि वहाँ पर ठीक तरीके से बैलेंस नहीं बैठा है तो बात का पतंगन बनता चला जाता है, बातें बढ़ती चली जाती हैं और कई बार रिश्ते टूटने की नौबत पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। समय को सही बिताएं और अपना तालमेल रिश्तों में अच्छा लेकर चलें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको मानसिक चिंता और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएँ, आपका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ लगा रहे और बाकी चीज़ों से आप हट जाएँ, तो यहाँ पर भी दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। तो सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसले लें, ठंडे दिमाग से हर निर्णय लें तो बढ़िया रहेगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, होश में रह के काम करिएगा तो और बेहतर रहेगा। ये तो बात थी वैवाहिक जीवन की, प्रेम संबंधों की। यदि हम बात करते हैं नौकरी और व्यापार की तो वहाँ पर भी आपको दिक्कतों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा। आपके निर्णय काफ़ी हद तक कमज़ोर होंगे और आप जो करेंगे वो उतनी मेहनत और शिद्दत से नहीं होगा, यानी कि आपके काम में वो परफेक्शन, वो सफाई नहीं दिखाई पड़ेगी जिसकी वजह से आपको पूर्ण कामयाबी मिले। कहीं ना कहीं जब आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को अपने सीनियर के सामने रखेंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां वो निकाल देंगे, जिसकी वजह से आपको अपने उसी प्लान के ऊपर दोबारा काम करना पड़ सकता है या बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके निर्णय कमज़ोर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका बहुत बड़ा कारण होगा आपके परिवार में तो सही तालमेल या शांति का ना होना, डिस्टर्बेंस जो आपको काम में भी थोड़ी दिक्कतें पैदा करने वाला है। आपको पैसों का भी नुकसान हो सकता है, आप यदि ठीक प्रकार से मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे या पाएंगी तो आपको जाहिर सी बात है पैसों का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। और छात्र भी ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कुछ पारिवारिक तनाव रहेगा,
कुछ उनकी बुद्धि भी भ्रमित रहेगी और इस समय अंतराल में वो भी एक गलत संगति विलासिता की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप गायक हैं, प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं, रेडियो जॉकी हैं, सिंगर हैं, या आवाज़ से किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस या व्यापार चलता है, तो आप इनसे जुड़े हैं तो आपको अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। आपकी छोटी छोटी लापरवाही बड़े नुकसान करवा सकती है। आपकी दिनचर्या ठीक प्रकार से आपको बितानी चाहिए और दिनचर्या को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना चाहिए, और तभी आप इस समय अंतराल का लाभ ले पाएंगे। आपको मुंह के रोग हो सकते हैं, यानी मुंह में छाले निकलना, या मुंह में जो भी मुंह से संबंधित रोग होते हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। यदि कोई रोग बड़े लंबे समय से है, परेशानी दे रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको मधुमेह है, यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और यदि आपका मोटापा बहुत बढ़ रहा है, तो एक बार डायबिटीज़ का चेकअप करा लें। हो सकता है आपकी जो शारीरिक कमजोरी है या आपका जो मूड है जो उखड़ा उखड़ा रहता है, वो डायबिटीज़ की दिक्कत की वजह से हो सकता है। तो इस समय अंतराल में आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, और आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए। रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहिए, अपनी सेहत को लेकर। और यह समय सोच विचार कर हर काम करने का है, देखभाल कर हर काम करने का है। जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में आकर, किसी अन्य की बातों में आकर ना रिश्तों को ख़राब करना है, ना अपनी बनी बनाई अच्छी दोस्ती को ख़राब करना है, ना ही प्रेम संबंधों को, ना ही अच्छी चल रही नौकरी और व्यवसाय को। तो बहकावों में ना आए, क्योंकि जब आपका मन डिस्टर्ब और परेशान रहता है, तब आप बहुत सारी जगह पे सलाह मांगने की कोशिश करते हैं। आप बता दो इसका सलूशन क्या है, आप बता दो इसका सलूशन क्या है। इधर उधर भटकने की बजाय आत्मचिंतन करें, और बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें तो बेहतर रहेगा। तो आप इस समय अंतराल में बिल्कुल भी झगड़ा ना करें, और इस समय अंतराल को बेहतर बनाने के लिए आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, इससे आपको लाभ हो सकता है। अपने पिताजी का सम्मान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इससे भी लाभ होगा। और साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना और हनुमान जी की आराधना करें, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और बहुत सारी समस्याओं का हल इन उपायों से मिल जाएगा। और महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं से झगड़ा ना करें तो और बेहतर रहेगा। इसको भी आप एक रेमेडी मान लें। आप जब भी महिलाओं से बात करें तो आपकी जुबान में पोलाइटनेस, यानी कि सरलता और कोमलता होनी चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं। तो आप सभी लोग थोड़ा संभल कर रहे हैं, अच्छी तरीके से वक्त को बिताएंगे, उपाय करेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। हरिओम, नमस्कार।